हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेज़ व्लॉग इज़ ऑल अबाउट कज़िन्स डे आउट। आज हम सब कज़िन्स मिलकर जा रहे हैं बाहर घूमने फिरने के लिए, मतलब कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ पे ना नागपुर में कुनाफा की शॉप खुली है नई। सो पूरे नागपुर में वो एक ही शॉप है कुनाफा की। सो हम सब सोच रहे हैं कि वहाँ जाकर कुनाफा खा कर आते हैं, क्योंकि कुनाफा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है यार। और भी बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं आज। चलिए अभी हम फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स गो। ये ले, हॉर्न खराब होगा तो इसको बजाना। दिस इज माई बुआज हाउस एक्चुअली, और इन लोगों ने काफी अच्छी गार्डनिंग कर रखी है। बहुत सारे अच्छे अच्छे छोटे छोटे प्लांट्स लगा के रखे हैं। सो इनका गार्डन काफी हरा भरा सा दिख रहा था। सो मैंने सोचा कि चलो यार, आप लोगों को थोड़ा सा गार्डन एक्सप्लोर करवाया जाए। एक्चुअली मेरी कजिन है यहाँ पे, सो हम उनको पिक करने के लिए आए थे और हम सब मिलकर यहाँ से जाने वाले थे। सो वो जो कलर वाले फ्लावर्स होते हैं, कलर वाले फ्लावर्स नहीं, मतलब जो कलर वाली लीव्स होती है ना, वैसे छोटे छोटे से प्लांट्स थे यहाँ पे। और भी बहुत अच्छे अच्छे यू नो फ्लावर वाले प्लांट्स इन लोगों ने लगाया हुआ था, तो बहुत अच्छा सा डेकोरेशन किया था। क्योंकि इन लोगों को, मतलब मेरे बुआ वगैरह को, बहुत ज़्यादा शौक है गार्डनिंग का। सो फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। सो या फटाफट से पहले हम लोग गए जूडियो, क्योंकि यहाँ पे जूडियो है नागपुर में। सो हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। और यहाँ का जूडियो गए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है। सो मुझे एक्सप्लोर करना था कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। सो हम फटाफट से जूडियो पर पहुँच गए थे और फिर क्या हुआ देखो गाइस। तो हम आ गए जूडियो। ये रहे हमारे बड़े भाई जी। हाय। एक बाजी हमारे पार्क कर रहे हैं गाइस। चलो, यहाँ पे कलेक्शन काफ़ी अच्छा आया हुआ था। और सबसे पहले मैं वेस्टर्न की तरफ गई थी, तो जो ड्रेसेस होते हैं वो सब अच्छे थे, बट मुझे ड्रेसेस उतना लेना नहीं था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। उसके बाद जो स्वेट शर्ट्स वगैरह होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई थी। लेकिन यहाँ पर उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है इसलिए, और पूरा दिसंबर मैं नागपुर में ही रहने वाली हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा देखा नहीं, मतलब उतना कुछ ऐसा लेने का मन नहीं किया स्वेट शर्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उतनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी, मुझे ये सब चीज़ें काम आएंगी। ये जो वाइट वाला स्वेट शर्ट है ना, ये 799 का था, पर बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। और ये छोटू सी बॉम्बर जैकेट थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बट ये 999 की थी आई थिंक। उसके बाद हम चले गए थे इंडियन वेयर की तरफ, तो यहाँ पे ना कुर्ते बहुत ज़्यादा अच्छे थे और बहुत अच्छी वेराइटी में भी आए हुए थे, मतलब पूरा भरा भरा सा कलेक्शन था, ऐसे खाली खाली सा नहीं लग रहा था। तो मैंने बहुत सारी कुर्ती एक्सप्लोर की, पर यहाँ पर भी मुझे कुछ खास ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कुर्ती का ऐसा हो जाता है ना यार, कि जब आपको अच्छे से वो फिटिंग आए तो ही वो अच्छा लगता है, तो मुझे परफेक्ट साइज ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद हम चले गए थे ब्यूटी सेक्शन की तरफ। यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा टाइम पास किया, मतलब आधे से ज्यादा टाइम तो हम यहीं वाले सेक्शन में थे। बहुत सारी लिपस्टिक मैंने ट्राई करके देखी, लिप ग्लॉस थे, बहुत ही मजे के थे सब। क्या देख रहे हैं? इतने दुबले रहना ही क्यों कि साइज ही ना मिले? टी शर्ट देख लेना। नो वन वुड एवर चूज सिक्स पैक एब्स ओवर सिक्स लग्जरी कार्स। कंफ्यूजन है गाइस, वी आर सर्चिंग फॉर द राइट साइज, पर राइट साइज मिल रही है 30 है। ट्राई करके देखना ट्रायल रूम में। ढीला है बहुत। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के बाद, बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद, फाइनली मुझे ये एक कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने इसे ले लिया। एंड दिस इज़ माई बॉय हु वॉज सर्चिंग फॉर गुड क्वालिटी परफ्यूम, जिसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी हो। सो मैंने उसे कहा था कि यार तुझे जो भी चाहिए ले ले, बिकॉज हम सब ऐसे शॉपिंग कर रहे थे ना, तो वो बेचारा बोर हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चल ठीक है यार, तू भी ले ले जो लेना है वो। और हमारे घर में बहुत सारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो हम उनके लिए भी कुछ कुछ चीज़ें देख रहे थे। सो बच्चों की भी टी शर्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है जूडियो में। सो ये ब्लैक वाली काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट मैंने सोचा, मतलब मैंने ऐसा कहा कि थोड़ा सा ऐसे कलर देखो जो तड़कते भड़कते हो, मतलब येलो ऑरेंज ऐसे बच्चों पर अच्छे लगते हैं, बट स्टिल ये ब्लैक वाली भी अच्छी लग रही थी। One eternity later. गाइस, हम लोगों ने हजारों की शॉपिंग की है, ये देखो, लेकिन कैरी बैग नहीं लिया। एक 10 रुपए की कैरी बैग लेने में हमारी जान निकल रही थी। जस्ट इंडियन मेंटेलिटी गाइस। चलो चलो चलो,
चलो चलो ये तुमने बहुत बड़ा नहीं ले लिया अपने हिसाब से खोल के बता ये तो एक साबुन वाला था नहीं मेरी लिपस्टिक तो रह गई थी ए फिर से बना ए वीडियो फिर से बना गाड़ी कैसे निकलेगी मेरी लिपस्टिक गाड़ी कैसे निकलेगी निकलेगी निकल जाएगी गाइस नई गाड़ी की खुशी में पार्टी हो रही है शॉपिंग करते करते तो टाइम का पता ही नहीं चलता है कैसे 2:30 हो गए हमें पता ही नहीं चला और इतनी तेज से भूख लग गई थी ना और हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी नूडल्स खाने की वो स्ट्रीट वाली नूडल्स होती है ना उसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी तो हमने ये शेजवान नूडल्स ऑर्डर किया था काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में आई थी ये सो हम लोग यही सब खा रहे थे फिर मेरी एक और एक कज़िन है सो हमने उनको वीडियो कॉल किया थोड़ा सा चिढ़ाया कि देखो हम लोग यहाँ पर आए हैं नूडल्स खाने के लिए बहुत सारी मज़े मस्ती किया उसके बाद ये मेरी कज़िन है जिनको हमने वीडियो कॉल किया था सो हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की उस दिन बहुत सारा खाना पीना खाया एक्चुअली हम बोल के गए थे कि हम कुनाफा खाने के लिए जा रहे हैं लेकिन हम सुबह से इधर उधर ही घूम रहे थे उसके बाद हमने ये रोल ऑर्डर किया था आई थिंक ये मंचूरियन रोल था ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था सो ये खाने के बाद हम चले गए थे द कबाब गाय वाला एक जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे ना बहुत अच्छे कबाब्स मिल जाते हैं सदर में ही है ये सो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था एक असॉर्टेड चिकन प्लेटर करके कुछ तो था मुझे नाम अच्छे से याद नहीं है हमने वो ऑर्डर किया था काफ़ी सारा कबाब इसमें आया था उसके बाद हमने ऑर्डर किया था सैंडविच चिकन सैंडविच ये भी बहुत अच्छा था कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा लगा मुझे सैंडविच भी ठीक ठाक ही था उसके बाद हम फटाफट से सैंडविच खाने लगे और सैंडविच के बाद हमने एक गायरो भी ऑर्डर किया था वो चीज़ क्रीमी गायरो ऐसा चिकन चीज़ क्रीमी गायरो ऐसा कुछ था बट शायद मैंने उसकी क्लिप लेना भूल गई थी सो या थैंक यू बहुत ज़्यादा खा लिए गाइस हम लोगों ने थैंक यू पर्क्स ऑफ हैविंग बिग सिस्टर सो गाइस आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज दिस फैशन फैक्ट्री यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ नागपुर में देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मतलब यहाँ पे कपड़े ही हो गए चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बाय टू गेट थ्री फ्री ऑफर्स वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे सो लेट्स गो जैसे ही मैं अंदर गई और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे तो यार मुझे कुछ पसंद नहीं आने वाला है क्योंकि प्राइस के हिसाब से कपड़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा चीप थी बहुत लोकल लग रहे थे सारे कपड़े और ऐसे पुराने पुराने से लग रहे थे सो हम फटाफट से चले गए थे रेस्ट रूम में यहाँ पे हमने थोड़ा सा टचअप किया मैंने जूडियो से एक लिपस्टिक ली थी तो वही लिपस्टिक मैं लगा कर देख रही थी तो आई थॉट कि दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई दैट लिपस्टिक तो अच्छे से समझ में आ जाए कि मैंने सही शेड लिया भी है या नहीं सो दिस इज़ वॉट एक्चुअली गर्ल्स डू इन मॉल रेस्ट रूम्स फाइनली वी गो टू दी कुनाफा शॉप जिसके लिए हम घर से बोल कर निकले थे पर हम 10 जगह चले गए थे उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे शाम हो गई थी हम आए कुनाफा खाने कौन कौन कुनाफा पहली बार खा रहे हैं रेज योर हैंड तुम कहाँ कुनाफे का इजाज़ नहीं दिया इसको रेसिपी मैंने चाहिए तो भी अपना कुछ मिर्च मसाला डाले A few moments later. गाइस हमारी लड़ाई होती है कि कुनाफा के ऊपर जो शुगर सिरप रहता है वो कौन डालेगा तो ये हमारा एक ग्रुप है मतलब हम दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है फिर इसमें से जो विनर रहेगा और इसमें से जो विनर रहेगा उसमें से कॉम्पिटिशन रहेगा तो ये हमारा कॉइन है इसमें मेरा हेड है और इसका हेड है चलो 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 तुम्हारा हेड है हमारा जैसे ही कुनाफा आया मेरे मुंह से बस यही निकला सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ खा जाओ बहुत टेस्टी था कुनाफा मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार आप लोगों को एक बार तो ट्राई करना चाहिए आज पूरे सदर का चक्कर लगाते हैं गाइस हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस बाय गाइस उसके बाद हम अपनी बुआ के घर पे वापस आ गए थे और हमने एक एक कुनाफा पार्सल लेकर आया था क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे घर वाले भी इसे टेस्ट करें स्पेशली मेरी बुआ क्योंकि माय बुआ इज़ दी बेस्ट कुक इन आर फैमिली सो मैं चाहती थी कि यार ये टेस्ट करे और ये थोड़ा सा रिव्यू करे कुनाफा कैसा लग रहा है ये वाला
कैसा लगा बताओ। मास्टर शेफ से वही तो है, आंख बंद करके खाते हैं ना। तुम सुनते भी है? सुनते भी है क्या? शेफ अभी रिव्यू कर रहे हैं। नॉट दैट मच ग्रेट, उतना भी खास नहीं है। इसमें नहीं कि अरे गरम गरम नहीं खाया आपने, वहां पर ये सेवई कड़क रहती होगी ना जब गरम रहती होगी तो, इसीलिए अभी नरम हो गया ना। कोई बात नहीं, अगली बार लेकर चलेंगे। टेलर साहब अपना दिमाग लगाते हुए एक कली दो कली। अरे वो उसमें जा रहे हैं कुनाफे में। वो मेरी कली कुनाफे में जा रही है, मेरी कली कुनाफे में जा रही है। मस्त लग रहा था लेकिन। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो यार आप लोग देख लेते हो पर लाइक नहीं करते वीडियो को, तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।